नमस्कार, मैं हूं विकास वाजपेयी। यूपीएटीएस द्वारा मोहम्मद उमर गौतम उर्फ श्याम प्रताप सिंह गौतम की गिरफ्तारी के बाद उमर के गृह जनपद फतेहपुर में हड़कंप मचा हुआ है। एटीएस द्वारा उमर से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिससे धर्म परिवर्तन के बाद एक के बाद एक परतें खुलनी शुरू भी हो चुकी हैं। पकड़ा गया मोहम्मद उमर गौतम यूपी के फतेहपुर जिले के थरिहांव थाना क्षेत्र के रमुआ गांव का रहने वाला है। इस गिरफ्तारी के बाद गांव के लोग क्या कहते हैं और क्या नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, देखिए महेश सिंह की इस रिपोर्ट में। सन 1964 में यूपी के फतेहपुर के थरिहांव थाना क्षेत्र के रमुआ गांव में पैदा हुआ था श्याम प्रताप सिंह गौतम, जो आज मोहम्मद उमर गौतम के नाम से यूपीएटीएस की गिरफ्त में है। आरोप भी छोटा मोटा नहीं, आस्था से खिलवाड़ करके धर्म परिवर्तन का। श्याम 1979 में फतेहपुर छोड़कर उत्तराखंड के पंतनगर जिले में चला गया था। वहीं पर रहकर पढ़ाई कर रहा था कि एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और बिजनौर जिले के एक नासिर खान नामक लड़के ने उसकी मदद की और इसके बदले में उसने श्याम का धर्म परिवर्तन करा दिया। अब श्याम का नाम बदलकर हो गया मोहम्मद उमर गौतम, जिसके बाद वह दिल्ली चला गया। उमर ने 1982 में फतेहपुर आकर जिले के ही गाजीपुर थाना क्षेत्र के खेसहन गांव में छत्रपाल सिंह की बेटी राजेश कुमारी से शादी कर ली। इसके बाद उमर अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली चला गया और वहां उसने अपनी पत्नी का भी धर्म परिवर्तन करा दिया। इस घटना के बाद से परिवार के लोग उमर से नाराज रहने लगे। मोहम्मद उमर साल दो साल में अपने गांव फतेहपुर आया करता था, लेकिन उससे कोई ज्यादा बातचीत नहीं करता था। गांव वाले कुछ लोग उमर को जानते हैं तो कुछ लोगों ने उमर को आज तक देखा तक नहीं। गांव वाले क्या कहते हैं ये भी जानते हैं। गांव में रह रहे उसके चचेरे भाई राजू सिंह ने बताया कि उमर गांव में ही हाई स्कूल तक पढ़ाई करने के बाद पंतनगर चला गया, जिसके बाद वह कभी कभार ही आता था। ये धनराज कौन है और जो दिल्ली में रह रहे हैं उमर, उनके लड़के धनराज के? धनराज कहाँ है इस वक्त? वो खत्म हो गए। कब खत्म हुए हैं? उनको करीब एक साल से ऊपर हो गया, कहा डेढ़ साल हो गया है ना, डेढ़ साल। उमर का इस गांव से क्या नाता था? उनके लड़के आ रहे हैं। तो कब से यहाँ पे नहीं आए हैं? अरे उनका हो गया करीब नहीं 82, वही 80 से कोई मतलब नहीं। आप कौन हैं उमर के? हम उनके चाचा के लड़के हैं। क्या नाम है आपका? राजू सिंह। कौन सा गांव है ये? पंथुआ। ये उमर की शादी कहाँ हुई थी? किसान। किसान किस सन में शादी हुई थी? ये शायद 82-83 में है भेद है। 82। इनके ससुर का नाम क्या है? छत्रपाल सिंह। इनके बच्चे भी हैं उमर के? हाँ, दो लड़का एक बिटिया जानकारी है। और पत्नी का क्या नाम है इनका? पत्नी का राजेश कुमारी। राजेश, ये कहाँ है इस वक्त? सब वही हैं, वही इनके लगे। सब दिल्ली में ही? जब से वो हो गए अपन हुई रहते। तो कभी बच्चों को लेकर के कभी यहाँ पे उमर आए हैं? करीब 4-5 साल पहले आए, फतेहपुर में आए रहे, तब हम दिए बच्चों को लेकर के। बच्चों के नाम मालूम है? नाम नहीं भाई। छत्रपाल सिंह का कभी यहाँ आना जाना रहा हो? दामाद है इसका। कभी भी आते जाते नहीं लगे, छत्रपाल सिंह के लगे नहीं आवता रहे, खत्म हो गए। उनके साले हैं, उनके लगे का तो आ जा तो भगवान जाने। साले का नाम क्या है? अजीत सिंह। ये क्या करते हैं? ये क्या कर रहे थे? किसानी कर रहे थे। किसान गांव में? उमर के पिता धनराज सिंह की मौत 1.5 वर्ष पूर्व हुई है, लेकिन वह अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में नहीं आया। उमर उर्फ श्याम प्रताप सिंह
छह भाई हैं और उमर अपने सभी भाइयों में चौथे नंबर का है। पहले नंबर पर उदय राज सिंह, दूसरे नंबर पर उदय प्रताप सिंह, तीसरे नंबर पर उदयनाथ सिंह और चौथे नंबर पर खुद मोहम्मद उमर उर्फ श्याम प्रताप सिंह, पांचवें नंबर पर श्रीनाथ सिंह और छठवें नंबर पर ध्रुव प्रताप सिंह का नाम आता है। परिवार के पास 75 बीघा खेत हैं और उमर के हिस्से में 13 बीघे खेत आते हैं। वहीं इस बारे में जब जानकारी पूरे गांव को हुई तो उमर के घर में मजमा लग गया। डीसीपी थरियाओं सहित पुलिस फोर्स उमर के चचेरे भाई से पूछताछ करने में लगी हुई है। बिफोर प्रिंट के लिए फतेहपुर से महेश सिंह की रिपोर्ट। किस गांव के रहने वाले हैं? पंथुआ गांव के रहने वाले। आज उमर दिल्ली में पकड़े गए, क्या उमर को आपने कभी देखा, उनसे मुलाकात? नहीं, उनको हमने कभी नहीं देखा। अभी साल दो साल पहले आए थे तो ऐसे रास्ते जा रहे थे तभी पता लगा कि यही है उमर। उमर का नेचर कैसा रहा गांव के अंदर, कभी आना यहां यहां आते थे सबसे मिलते थे, कोई मतलब उस तरह का नहीं है। उमर किस धर्म से बिलोंग करते थे पहले? या और ये हमको नहीं मालूम। गांव कब छोड़ा था उन्होंने? हमका तो होता नहीं कि गांव कब से छोड़े नहीं, मतलब हम उनको अभी बताए ना कि अभी मतलब पहली बार देखा है साल दो साल पहले। अच्छा। और उनको हमने कभी गांव कम आते हैं जी। उमर लोग कितने भाई थे? ये छह भाई थे। छह भाई, और भाई इनके कहाँ रहते हैं? कोई रेणुकूट में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई लखनऊ में रहता है, इस तरह रहते हैं। इनकी उम्र के पिताजी हैं या नहीं? इनके पिताजी खत्म हो चुके हैं। खत्म हो चुके हैं। क्या करते थे पिताजी इनके? पिताजी यहीं अपना रिटायर थे, पहले सेक्रेटरी थे, फिर रिटायर हो गए। किस विभाग में थे? सेक्रेटरी रहे। क्या नाम है आपका? नीरज। कौन सा गांव है आपका? जी पंथुआ है जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।